वेलकम टू शिवान्या नर्सरी। दोस्तों, आप जो यहाँ पर इतना खूबसूरत प्लांट देख रहे हैं, ये चाइना एग्लोनिमा है। आज मैं इस प्लांट के प्रोपेगेशन के बारे में आपको जानकारी दूंगी। इसका प्रोपेगेशन करना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गार्डनिंग करी है? अगर नहीं की है तो दो चार गमलों से ही आप गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। जब आप गार्डनिंग करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में एक अलग ही उमंग और जोश पैदा हो जाएगा, जो कि पूरे दिन आपको इन पौधों की तरह तरोताज़ा रखेगा। तो आप पौधों के साथ रहिए, जिस प्रकार मैं पौधों के साथ रहती हूँ। बहुत ही सुंदर आप यहाँ पर प्लांट देख रहे हैं। दोस्तों, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन पत्तियाँ होती हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो इसको आप, इस पौधे से आप नया पौधा कैसे तैयार करें, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि आपको जो ये ब्रांच दिख रही है, इस मोटी ब्रांच से आप एक से डेढ़ इंच एक इतनी यहाँ से कट मारिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ से कटिंग करके एक से डेढ़ इंच एक ब्रांच कट की थी और इसको इस प्रकार से यहाँ पर लगा दिया था। ये मैंने 15 दिन पहले लगाई थी दोस्तों, और आप देखिए इसके साइड से एक छोटी छोटा सा फुटाव आपको दिख रहा है। तो इसको आपको छाया में रखना है और थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालते रहिए, जिससे इस पौधे में नमी बनी रहे। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? दूसरा तरीका ये है, जो आप ये पत्तियाँ देख रहे हैं, इन पत्तियों से भी आसानी से आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, मैंने एक नई पत्ती यहाँ से कट की है। ये दिख रहा ना आपको कट, यहाँ से मैंने कट किया है। और ये एलोवेरा की जो एक पत्ती है, उस पत्ती में मैंने इसका सिरा जो है लगा दिया है। तो इससे क्या होगा कि ये पत्ती 100% सक्सेस रूप में लग जाएगी और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको करना क्या है, अब आप इसको यहाँ से निकाल लीजिए और इसमें खाद मिट्टी मिक्स करके एक ग्रो बैग में इसको यहाँ से करीब एक इंच इसको अंदर मिट्टी के अंदर कर दीजिए दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों। और इनको आप छाया में रखिए, छाया में रखना है और थोड़ा थोड़ा सा इसमें समय समय पर पानी देते रहिए। आप देखिए कि इसकी मिट्टी जो है ड्राई ना होने पाए। छाया में रखने से क्या होगा दोस्तों, कि इन पौधों में नमी बनी रहेगी और नमी रहने से इसमें नया प्रोपेगेशन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको लगाना है। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप और किसी पौधे के बारे में नई जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।